चोरों ने लाखों रुपए का सामान और मोबाइल चोरी किया। वहीं के आसपास के लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोलिंग लगातार चल रही होती तो ऐसी वारदात नहीं होती। और पुलिस का भी कहना है कि हम सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगाल कर जल्दी चोरों को पकड़ेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कशिश की रिपोर्ट। महिपालपुर इलाके में जियो के स्टोर पर चोरों ने धावा बोला और तड़के सुबह चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महिपालपुर के जियो स्टोर की, जहां पर आप देखिए शटर उखाड़कर यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लाखों रुपये के जो मोबाइल हैं उस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से स्टोर के इंचार्ज लोगों ने बताया कि अंदर लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी जो चोर हैं अपने साथ लेकर चले गए। बहरहाल आसपास के सीसीटीवी लगे हैं उनके फुटेज दिल्ली पुलिस अब जांच कर रही है और साथ ही साथ अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरों की संख्या कितनी थी और कितने बजे के करीब ये पूरी वारदात हुई है। लेकिन जिस तरीके से जियो के स्टोर के कर्मचारियों ने बताया कि तड़के सुबह ये पूरी जो चोरी की वारदात है वो सामने आई है। तकरीबन 4 से 4:30 बजे के करीब इसकी जो सूचना है जियो स्टोर के कर्मचारियों को मिली, उसके बाद वो लोग यहाँ पर पहुँचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महिपालपुर के जियो स्टोर की, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी तरीके से शटर को उखाड़ने के बाद चोरों ने इसके अंदर रखे जितने भी मोबाइल थे उन पर हाथ साफ कर दिया। तकरीबन लाखों रुपए के जो मोबाइल थे उन पर ये चोरी की वारदात करी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस जगह पर ये जियो स्टोर है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से महिपालपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिस पर हमेशा वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। तस्वीरों में देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। पुलिस टीम पूरी लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरकार चोरों की इस वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे और चोरी की वारदात कितने बजे के करीब हुई थी। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का दावा कर रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आसपास के दुकानदारों के अंदर भी डर का माहौल है और उन्होंने बताया कि अगर वक्त रहते अगर लगातार पेट्रोलिंग होती तो इस तरीके की चोरी की वारदात सामने नहीं आती। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मेन रोड पर बने इस जियो स्टोर पर किस तरीके से चोरी की वारदात का सामने आई है। सर, जब मैं सुबह में आया अपने शॉप को जब खोला तो पता लगा कि मेरे दुकान के सामने जियो स्टोर है जिसमें रात को रोबरी हो गई है। कितने की करीब की चोरी पता चला आपको, क्या करने की? सर, वहाँ पे पता चला लोगों से या दुकानदार के स्टाफ दुकान स्टाफ से कि लगभग 15 से 20 लाख की उसमें संपत्ति थी जो चोरी हुई है। आप भी दुकानदार हैं, कितना डर लगता है आप लोगों को, क्या पेट्रोलिंग होती टाइम से कि नहीं? नहीं सर, पेट्रोलिंग नहीं होती है। अगर पेट्रोलिंग होती तो शायद ये रोबरी नहीं होता, ये घटना नहीं घटती। कितने बजे के करीब की है घटना, कुछ पता चला आप लोगों को कितने बजे आए थे? सर, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 4:30 बजे की। हाँ, 4 बजे की, 4 बजे के आसपास की, आसपास की है। मेरा नाम मोनू राजौरिया है। मेरी तो कैसे पता चला आप लोग? मैं जब अपनी शॉप पे आया तो जियो के स्टाफ जो है मैंने उसको आवाज मारी, भाई क्या हो गया? तो उसने बताया कि भैया हमारी दुकान में चोरी हो गई है, करीब 15 से 20 लाख का सामान था, मोबाइल था और टीवी था, और ये रोबरी। जब मैं आया तो मैंने एक दो जनों से और पूछा, भाई ये तुम्हें किसी को कुछ पता है इस कार में किस टाइम? तो पता लगा 4 से 4:30 बजे के बीच में चोरी हुई है यहाँ पे। तो क्या इससे पहले भी यहाँ पर चोरी की घटना? इससे पहले भी करीब 1-1.5 साल पहले काफ़ी दुकानों पे यहाँ पे चोरी हुई थी, जैसे कि मोबाइलों की दुकान में पहले कई बार चोरी हो चुकी है यहाँ पे, टीवी की दुकानों में। सबसे ज़्यादा टारगेट यहाँ पे मोबाइल की दुकान है, टीवी की दुकानों को बनाया जाता है। तो पेट्रोलिंग होती है? पेट्रोलिंग हमने तो अभी तक देखी नहीं, अगर होती तो फिर शायद ये घटना तो घटती नहीं।